हम लोग के पास तो कोई साधन नहीं है, गरीब परिवार से आते हैं, फिर घर जाना ही पड़ेगा। हम लोग के साथ वो गलती कर रहे हैं इस तरह का नोटिस दे करके। और ये सरकार सीधा सीधा दलितों पे निशाना साधती है, शायद यही सरकार नहीं चाहती, इसीलिए सरकार ऐसा कर रही है हम लोग के साथ। अगर हम लोग ये बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग तो घर ही चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग पास उतना ये है कि नहीं कि हम लोग को रूम लेके रह सके यहाँ। आज अभी जब एग्ज़ाम का समय आया तब बोल रहे हैं कि खाली करवाइए, ये तो कैसे हो सकता है, तो करना नामुमकिन है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। अम्बेडकर जी की मूर्ति दिखाने का मकसद ये है कि हम अम्बेडकर छात्रावास में इस वक्त आए हुए हैं, और कल जिस तरह से अम्बेडकर छात्रावास के जो छात्र हैं वो सड़क पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे। मांग था कि छात्रावास वो अभी खाली नहीं करना चाहते हैं, और सरकार कह रही है कि सैनिटाइज के लिए ये छात्रावास खाली कराया जाए और पूरा जीरो लेवल से पूरे छात्रावास को खाली करा दिया जाए। ऐसे में ये जो छात्र हैं वो कल पटना की सड़कों पर बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। बहुत छात्र हैं जो घायल हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, और इनके जो नेता हैं उनको जेल में बंद कर दिया गया है। छात्र हैं, इनसे बात करेंगे। अम्बेडकर छात्रावास में रहते हैं, खाली कराने का आदेश दिया है। हाँ, वो तो मालूम है, मालूम है। हाँ, अभी तो फिलहाल एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम का समय है, खाली होने के लिए तो नहीं कर सकते हैं, करेंगे हम, करने के लिए भी सक्षम है कि इसमें जाके नजायज कीजिए। अगर जो पुराना वाला बिल्डिंग है हम लोग इसमें रहेंगे। लेकिन सरकार जो कर रही है क्या वो सही है? वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। जीरो लेवल से खाली कराना ये बहुत सरासरी गलत है। अगर साल खाली करवाना था तो उसी टाइम खाली करवाते, जिस टाइम बिल्डिंग बन रहा था उस टाइम तो खाली करवाए नहीं, उस टाइम हम लोग रह रहे थे, किसी तरह से तैयारी कर रहे थे। आज अभी जब एग्ज़ाम का समय आया तब बोल रहे हैं कि खाली करवाइए, ये तो कैसे हो सकता है, तो करना नामुमकिन है, करना नामुमकिन। आइए मैंने कीजिए, हम लोग पुराना बिल्डिंग में रहेंगे। अब मतलब एक एक रूम को छोड़कर दूसरे रूम में जाएंगे, फिर वो सैनिटाइज हो जाएगा, फिर तीसरे रूम में ऐसा कीजिए, जैसे सिलसिलेवार ढंग से। जैसे पुराना वाला बिल्डिंग है इसमें हम लोग रहेंगे, आप नया वाला बिल्डिंग में सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद लड़का को बुलाइए, चाहे लॉन्ड्री कीजिए। ये जो बिल्डिंग बना हुआ है नया बिल्डिंग, ये अम्बेडकर छात्रावास, लेकिन अभी इसमें छात्र नहीं रह रहे। कितने दिनों से बन के तैयार? ये बन के करीब 2 साल से बन कर तैयार हो, लेकिन छात्रों को अभी नहीं रखा गया। क्यों? तब पता नहीं, अब अलॉटमेंट नहीं हुआ है, इसके वजह से कई कारण है। सरकार की जिम्मेवारी है कब खाली करवाएगा कब नहीं खाली करवाएगा। अच्छा, और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। अम्बेडकर छात्रावास को पूरी तरह से खाली कराने का आदेश दिया गया है। जी देखिए, ये सरकार सीधा सीधा दलितों पे निशाना साधती है। ये सरकार का कहना है कि कोरोना के लेके सैनिटाइज करवाने के लिए सबसे ज़्यादा, मतलब फर्स्ट जब चरण हुआ था उस टाइम सैनिटाइज हुआ? जी नहीं, उस टाइम नहीं हुआ था, सेकंड हुआ था उसमें, उस टाइम भी नहीं हुआ था। पर ये सरकार का कहना है कि सबसे ज़्यादा गंदगी यहीं पे है, दलित छात्रावास में ही है। यहाँ पे इनको सैनिटाइज करवाने के लिए इसी हॉस्टल में कहा गया कि इसको सैनिटाइज करवाने के, और भी जबकि हॉस्टल है पटना में, और सब भी हॉस्टल को सैनिटाइज कराने के लिए नहीं कहा गया। पर सरकार का सीधा निशाना हम ही लोग पे साधा जाता है कि दलित खाली करवाओ। इतना बड़ा जो मांझी जी बना के गए हैं रामविलास पासवान जी, ये दलित के जो गरीब बाल बच्चे हैं, गरीब छात्र हैं यहाँ पे, जो बहुत दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, उनको कहीं रहने का जगह नहीं मिलता है। मतलब थाना में थानाध्यक्ष बने हैं, मतलब यहाँ पे सब दरोगा वरोगा UPSC सब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, पर सरकार का कहना है कि नहीं, ये एक अपनी गंदी पॉलिटिक्स के कारण जो चिराग पासवान जी और जो उनके चाचा भतीजे का जो हुआ है, उनको गंदी पॉलिटिक्स के कारण जो सरकार का क्या कहना है कि खाली करवाओ, नहीं तो इन लोग का जो यूनाइट है ये पहले तोड़ो, मतलब पहले उनको तोड़ने का काम किया गया, अब हम लोग को तोड़ने का काम किया जा रहा है यहाँ पे छात्रावास। आपके साथ राजनीति की जा रही है? जी, राजनीति तो है कहीं ना कहीं, अगर पॉलिटिशियन है अगर वो कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उन लोग का होगा ही, ठीक है। ये अच्छा मेरे लिए सोचते हैं कि सैनिटाइजेशन यहाँ हो, कोरोना काल में हो रहा है यहाँ पे, लेकिन पूरा जीरो लेवल से खाली। हाँ, ये थोड़ा सा सोचनीय बात है कि बच्चे यहाँ रह रहे हैं, रेगुलरली यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं। अभी तो सबसे ज़्यादा है एग्ज़ाम चल रही है, बच्चों लोग का जो भी है सब एग्ज़ाम चल रहे हैं, Part 1 Part 2 है, PG में जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे हैं। और इस समय में अगर वो खाली करवाना चाहते हैं, वो भी नोटिस देते हैं कि अगर आप नहीं खाली करते तो आपका प्रमाण पत्र रद्द किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा हम लोग के लिए बहुत बड़ा गलती है कि हम लोग के साथ वो गलती कर रहे हैं इस तरह का नोटिस दे करके, और उसके बाद में ये तो इस तरह से मतलब कार्य कर रहे हैं, तो समझ गया।
सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, जो अपना भरण पोषण कैसे कैसे करके चला रहे हैं, वो छात्रावास में रहते हैं ताकि उनका जो पैसा है 3,000-4,000 जो पटना का रूम रेंट है वो बच जाए। ऐसे में अगर खाली करा दिया जाए तो फिर कहाँ जाइएगा? हम लोग के पास तो कोई साधन नहीं है, गरीब परिवार से आते हैं, फिर घर जाना ही पड़ेगा खाली करवा, लेकिन हम लोग सेशन में हैं, सेशन में उसके बावजूद भी खाली कराना पड़ रहा है। सरकार का अलाव आया है कि खाली कर दो, नहीं तो आपका क्षतिपूर्ति सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का प्रॉब्लम, हम लोग एक मजदूर और किसान परिवार का बेटा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास अभी आपको कितना लगता है महीना, आपका कितना महीना लगता है? हम लोग को अगर रूम चार्ज ना छोड़कर तो 2,000-3,000 रुपया कलम सब चीज आता है। अगर फिर अगर पटना में रूम लेना पड़े तो कितना खर्च होगा? कम से कम 5,000-6,000 रुपया जाएगा, लेकिन हम लोग के पास उतना हो नहीं पाएगा, क्योंकि गरीब परिवार से आते हैं, पैसा नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? तो सरकार क्या नहीं चाहती है क्या कि गरीब बच्चे पढ़े, गरीब घर के बच्चे? शायद यही है, सरकार नहीं चाहती, इसीलिए सरकार ऐसा कर रही है हम लोग के साथ। अगर हम लोग ये बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग तो घर ही चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग पास उतना ये है कि नहीं कि हम लोग रूम लेके रह सके यहाँ पे, इसीलिए हम लोग तो सरकार से यही अति करेंगे कि इसको बंद ना किया जाए और खाली नहीं किया जाए। खंडहर छात्रावास में रहते हैं लोग, नया छात्रावास बन के तैयार है, सामने से देखते होंगे लोग, बारिश होता होगा तो वो उसमें पानी उनी जाता होगा, तो बड़ा अजीब नहीं लगता होगा कि नया छात्रावास सामने है लेकिन खंडहर छात्रावास में रहते हैं? सर बन के तो 2 साल हो गया, इसका अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया है, पहला नंबर तो। और दूसरी बात है कि जिसे सैनिटाइज की बात कर रहा है तो सैनिटाइज करे और हम लोग पुराना में रहेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। कोई तो दिक्कत नहीं है ना, हमें यहाँ नया न्यू बिल्डिंग मिल जाएगा तो हम पुराना में क्यों आएंगे? जो जहाँ पानी चू रहा है हम लोग का रहने का व्यवस्था नहीं है, ये आएगा तो क्यों आएंगे हम उसमें? हम यहाँ पे मेरा ठीक है, बेटर होगा ना, यहाँ पे मेरे को पर्सनल रूम मिल जाएगा, हम वहाँ पढ़ेंगे अच्छे से। कितने रूम का ये पूरा बिल्डिंग है? पूरा ये इसका कैपेसिटी है 300 बच्चे का। 300 बच्चे का? अभी कितने बच्चे हैं? अभी बच्चे होंगे, कभी तो अलॉटमेंट केवल 200 बच्चे का लिस्टेड किया है और उसका अभी कोई सुविधा नहीं दिया गया है यहाँ पे, केवल लिस्टेड करके रख दिया गया है और उसी के नाम पर है कि कुछ होगा उससे, यहाँ सैनिटाइजेशन करवा करके कर रहे हैं। अरे ठीक है, मेरा मतलब कि मान लीजिए आज मेरे पापा हैं, हमारा रूम गंदा रहेगा ठीक है तो वो साफ़ करवाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए साफ़ करेंगे तो मेरा अदर ऑप्शन नहीं दे रहा है। ऐसे भी दिवाली और छठ के समय में घरों में पोचारा होता है, तो पोचारा करने का सिस्टम ये होता है कि अगर एक रूम में पोचारा हो रहा हो तो दूसरे रूम में पूरे सामान को शिफ्ट किया जाता है, फिर उस रूम को जब पोचारा हो जाता है तो फिर उसमें शिफ्ट मेरा ऑप्शन होता ना, वो उनको ख्याल होता कि मेरा बेटा कैसे पढ़ेगा। अब मेरे गार्जियन हैं, मेरे जो मतलब के माननीय मुख्यमंत्री हैं ये, और कल्याण विभाग में जो भी कल्याण मंत्री हैं, उनको ये ख्याल ही नहीं है कि हमारे बच्चे रोड पर आ जाए चाहे जहाँ जाए, इसको पढ़ाई से कोई मतलब ना हो, ये कर करके उसके बाद खाली करवाना चाह रहे हैं। इसलिए उनको ये होना चाहिए कि हमारे हित के बारे में ही सोचना, हम पढ़ने आए हैं यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ अगर खाली करवाते हैं? उसके बाद ऑप्शन भी नहीं दिया कि दूसरा बार कब आप अलॉटमेंट करवा रहे हो, इसको भी तो ऑप्शन देना चाहिए ना, उनको ये भी नहीं दे रहे हैं वो। इसके पहले कभी ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं? आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इस फर्स्ट बार कोरोना का फर्स्ट जब काल आया था, पूरा चारों तरफ लॉकडाउन हो गया था, उस टाइम सैनिटाइज हुआ था कि नहीं? हुआ था। हॉस्टल पूरी तरह जब बंद हुआ था उस टाइम सैनिटाइज हुआ था? नहीं हुआ था कभी, आज तक हुए नहीं, क्या नहीं सैनिटाइज? हाँ, इस पहली बार हो रहा है, तो मतलब ये सरकार की कुछ चाल है, कुछ भी बोलिए। क्या चाहती है सैनिटाइज करने के वजह से अगर खाली करा दे फिर हॉस्टल तोड़वाना चाहती है? अरे न्यू बिल्डिंग बनकर के खड़ा है यहाँ पर, दो साल हो गया इसके बने हुए, अभी तक अलॉटमेंट प्रक्रिया नहीं होगा, हम यहाँ खाली कर देंगे तो कब पता नहीं कितना दिन में अलॉटमेंट करेगा, कोई पता नहीं ना है। अभी हमको करेगा कि नहीं करेगा ये भी खाली करवा करके दूसरे को किसी को अलाउड कर देगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं पीजी का मतलब कि यहाँ पर कॉलेज में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमारा कंपटीशन का चल रहा है, हम अगर एक दो दिन भी पीछे होते हैं तो हमसे आगे बच्चे होंगे या नहीं? क्या तैयारी करते हैं? हम पीजी कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम लोग LLB कर रहे हैं। और आप? हम लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे में ये जो अंबेडकर छात्रावास के छात्र हैं ये कल सड़कों पर थे अपनी मांगों को लेकर, पुलिस द्वारा इन पर लाठी चार्ज किया गया और वो यहाँ वहाँ से तो ये निकल रहा है लेकिन अपनी परेशानियों से नहीं निकल पा रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो खंडहर छात्रावास है, एक बार दिखाएं इस छात्रावास को किस तरह से पूरा नीचे चला गया है, ये खंडहर छात्रावास है और इस छात्रावास के सामने ये नया छात्रावास बन के तैयार है 2 साल से लेकिन अभी तक अलॉट नहीं हुआ। ऐसे में ये जो बच्चे हैं, जब बारिश का समय होता होगा, जब इनका रूम है पूरी तरह पानी भर जाता हो तो कैसे रहते होंगे ये? और
देखिए किस तरह से ये चमचमाता बिल्डिंग तैयार से निकलते हैं यूपीएससी बीपीएससी और बिहार दरोगा जैसे में निकलते हैं अभ्यर्थी निकलते हैं। और बाथरूम बाथरूम इससे भी साफ है, अरे गजब, तो बाथरूम इससे भी साफ है। और ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे होंगे ये नीतीश सरकार के कार्यकाल में बना हुआ अंबेडकर छात्रावास 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोर का है और अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। कितने साल हो गए इसको बने हुए? दो साल से ये अलॉट नहीं हुआ है। तो बाथरूम है पूरा चमचमाता हुआ बाथरूम, टाइल्स लगा हुआ ऐसा मतलब बना है कि और ये देखिए ये है चमचमाता हुआ बाथरूम। स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है, तो ये है अंबेडकर छात्रावास का क्या इसको बोले हम जल नल योजना के तहत ना, तो इससे क्या पानी आता है कि पैसा आता है? ओ तो ये अंबेडकर छात्रावास की बदकिस्मती है कि इस नल से पैसा नहीं पानी आ रहा है। और ये है बाथरूम निर्मल भारत है, तो ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये बाथरूम बनाया गया था, अंबेडकर छात्रावास को दिया गया था। बहुत चिंता है लेकिन नीतीश कुमार को बहुत चिंता है कि ये जो इस छात्रावास को सैनिटाइज किया जाए। मुझे लगता है कि इस छात्रावास को सैनिटाइज करने की जरूरत ही नहीं है, इतना साफ सुथरा है छात्रावास है। और ये देखिए छत मतलब अच्छा क्या कि छात्र क्या कर रहे हैं ना, वह वहाँ से देखा जाता है कि छात्र कैसे नहाते हैं। ओ तो ये छत आप देख सकते हैं, ये छत है, छत अगर आप यहाँ बैठेंगे तो आसमान भी दिखेगा, बारिश होगा तो नहाने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर आप बाथरूम जाते हैं तो आप भी नहा के चले आइएगा। और ये क्या है? अच्छा ये बाथरूम है। तो बिहार सरकार में बैठे कोई भी मंत्री और विधायक होंगे इतने साफ जगहों पे नहीं नहाते होंगे जितने साफ जगहों पे अंबेडकर छात्रावास के छात्र नहाते हैं। और इसका पानी पीते हैं क्या? इतना साफ पानी पीते हैं? ये पानी आप पीते हैं मतलब सामने सही में पीते हैं? तो ये तो खुद सैनिटाइज हो जा रहा है, इतना साफ पानी है। इतना पानी यही बस दसों से यही पी रहे हैं 2 साल से। यही पीते हैं सब लड़का पी रहा है। कोरोना से पहले तीसरे से हम लोग पानी से मर जाते हैं, फायर से मर जाएंगे। इतना साफ बाथरूम और इतना साफ सुथरा जो बाथरूम है किसी विधायक के घर पे भी नहीं होगा, इतना चमचमाता हुआ टाइल्स लगा हुआ बाथरूम। तो अच्छा लगता होगा यहाँ पे रहना? क्या करें सर, हम लोग मजबूरी है, बिल्डिंग बना हुआ 2 साल बिल्डिंग बन चुका है सर, फिर भी हम लोग कोई सरकार नहीं। मतलब कि जो गिरे हुए समाज से हैं, मतलब कि इतना हम लोग का नीचे, मतलब कि समाज यहाँ आते होंगे तो वहाँ जब रहते होंगे रूम में जब रहते होंगे तो लगता होगा कि हम दलित हैं। अरे यहाँ भी आते होंगे तो लगता होगा दलित। बस इस बिल्डिंग को देख के क्या लगता है? क्या लगता है? ये सपना ही हम लोग के लिए है कि यहाँ पे रख दिया गया, सपना देखते रहते हैं कि भाई हम लोग डायलॉग निकल के सामने आता है ये क्या है रे, तो ये सपना है। यही बात है, यही बात होगा कि नहीं हकीकत? अब हकीकत होगा नहीं, कहाँ हो सके हकीकत होगा, खाली करवाने के लिए बोल रहे हैं, जाएंगे यहाँ पे भी कोई अकबिकाई कर देगा किसी दूसरे के लिए। क्या 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 हो सकता है? इससे सपना से पहले घर जा सकते हैं, घर जा सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं अब? खाली कर, जब खाली करवा फिर वही दशा होगा, 500 रुपए में वोट, बस वही होगा, बस यही होगा। 2-3 बार तो अलॉटमेंट हो गया सर, सेशन भी सबका समाप्त हो गया, बेचारा पिछलन का 2-3 बार इसका अलॉटमेंट का लिस्ट निकल चुका है। ऐसे में दलित के कितने नेता निकले और कहें कि हम दलितों की बात करेंगे और दलितों की आवाज उठाएंगे। ऐसे में ये छात्रावास अंबेडकर छात्रावास जिसमें दलित के बच्चे रहते हैं और इतना चमचमाता हुआ टाइल्स और इतना चमचमाता हुआ बाथरूम आपने कभी भी किसी भी मंत्री या किसी भी विधायक के आवास पे नहीं देखा होगा। और ऐसा बाथरूम जिसपे लकड़ी का ये कूट रख दिया गया हो कि इससे बदबू ना आए। और ये जो छत के नाम पे ये क्या है, प्लाई रखा हुआ है कि छत, और ये क्या है? अच्छा ये क्या दरवाजा है? तो ये मतलब क्या बंद हो गया? बस पर्दा नहीं रहने दीजिए। हाँ अच्छा,
तो ये दरवाजा जो है ये नीतीश कुमार का विकास है ना, ये नीतीश कुमार का विकास है और ये डिजिटल इंडिया है। अच्छा, तो ये जो और ये है नीतीश कुमार का नल जल योजना। अंबेडकर छात्रावास की किस्मत जो है वो खराब है कि इससे पानी आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। ऐसे जो बिहार में पंचायत में जो नल जल योजना बना है उसमें पैसा आ रहा है, और ये अंबेडकर छात्रावास में जो नल लगा है इससे पानी आ रहा है। अब देखना ये होगा कि इस अंबेडकर छात्रावास के जो छात्र हैं इनका भविष्य जो है अब सरकार कैसे लिखेगी, किन कलमों से लिखेगी, किन वो जो पेन होगा उसमें किस तरह की स्याही भरी जाएगी, अब देखना ये होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।